जय हिंद साथियों, क्या आप 10वीं पास हैं? क्या आपने 18 साल की उम्र को पूरा कर लिया है? अगर आप 10वीं पास हैं और 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर लिया है, 10वीं आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर में सरकारी नौकरी करने के लायक जल्दी बन जाए, घर के सपनों को पूरा करें, घर की जरूरतों को पूरा करें, माँ बाप का बोझ ना बनकर उन पर अपने जिम्मेदारी खत्म करें और अपनी जिम्मेदारी खुद लें, तो आपके लिए है एसएससी एमटीएस की जॉब। एसएससी एमटीएस में आप 10वीं के बाद फॉर्म भर सकते हो, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन ये फॉर्म कब आएगा, कैसे भरना है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और क्या क्या आपके लिए जरूरी है, बात करते हैं इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर। एसएससी एमटीएस की बात करें तो एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग सर्विस, जिसमें एक से ज्यादा काम करने के लिए आपके पास मौका होता है, जिसमें दो स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देना पड़ता है और दूसरे स्टेज में आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखने होते हैं। जैसे एप्लीकेशन हम बचपन में प्रिंसिपल साहब को लिखा करते थे, जैसे लेटर हमसे स्कूल कॉलेजेस में दोस्तों के लिए या त्योहार पर घर से पैसे मंगाने के लिए लिखवाए जाते थे, ऐसे की बात करें तो ऐसे कभी मदर पर, कभी फादर पर, कभी ताजमहल पर, कभी देश की सिचुएशन पर, कभी वीमन एम्पावरमेंट पर जो एप्लीकेशन लिखाए और जो एसेज लिखाए जाते थे उन पर आप लिखकर अपने सपने सेकंड स्टेज में जाकर के भी पूरे कर सकते हो। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी है और क्या क्या पूछा जाता है, इसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर आप वाकई में इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दो, ताकि आपको अपने सपने पर पूरे करने में बहुत ज्यादा वक्त ना लगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हो आज की भीड़ भरी दुनिया में बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अभी तक जो पुराना पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जाम होता है तो जनरल इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और इन 25 क्वेश्चन में आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन सही होने पर आपको एक नंबर मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप मैथमेटिक्स कहते हो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आपको मिलने वाले हैं। नवंबर बार बार आ रहा है क्योंकि नवंबर बहुत खास है एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सीपीओ, स्टेनोग्राफर और इसके खत्म होते ही आपको सीजीएल का एग्जाम भी मिल जाएगा। 100 नंबर 100 क्वेश्चन, ये आपका पूरा पैटर्न। लेकिन अगर ये पैटर्न नहीं बदला गया क्योंकि एसएससी इस टाइम पैटर्न को बदलने के लिए जाना जा रहा है, एसएससी इस टाइम पैटर्न में बदलाव लेकर आ रहा है, वो बदलाव सीजीएल में देखने को मिला, वो बदलाव एसएससी जीडी में देखने को मिला, तो क्या ये बदलाव एसएससी एमटीएस में देखने को मिलेगा, इसके लिए इंतजार करिए। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब आएगा और आपको इसका फॉर्म कब भरना होगा। तो एसएससी कैलेंडर की माने तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा 25 जनवरी 2023 को, और ये मैं बता रहा हूं एसएससी कैलेंडर के आधार पर 25 जनवरी 2023। और जो एक्सपेक्टेड एग्जाम की बात की गई है, एक्सपेक्टेड एग्जाम आपके लिए दिया गया है अप्रैल 2023, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स है। 25 जनवरी 2023 को इसका नोटिफिकेशन आएगा और एक्सपेक्टेड डेट अप्रैल 2023 दी गई है। लेकिन जिस तरह से सीजीएल को एक महीना आगे कर दिया गया, तो क्या एमटीएस भी आगे होगा, इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, साथ ही साथ अभी से एमटीएस की तैयारी करने के लिए। अगर आप एमटीएस की तैयारी को बहुत पुख्ता करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो क्लास 24 एप्लीकेशन पर सीजीएल और एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन बैच चल रहे हैं, इनका आप हिस्सा बन सकते हो, जिसमें आपको मिलता है डाउट सपोर्ट, प्रिंटेबल नोट्स, अपडेटेड कंटेंट, बाइलिंगुअल क्लासेस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे,
ये आपको एसएससी सेक्शन में जाकर के मिल जाएगा। क्लास 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप भी सीएचएसएल या एमटीएस का इंतजार कर रहे हो तो जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री पीडीएफ से अपना रिवीजन करें और क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स, क्लास 24, क्लास 24 डिफेंस एग्जाम्स और बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब करें अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने एग्जाम के मुताबिक। थैंक यू। जय हिंद।